एक प्रश्न आया है, बहुत अच्छा है। कहते हैं कुछ लोग भगवान बुद्ध बोलते हैं और कुछ लोग भगवान बुद्ध बोलने से चिढ़ जाते हैं, वो खाली बुद्ध बोलते हैं, ऐसा क्यों है? ये बात सही है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, जो दुनिया के लिए एक बहुत नायाब गिफ्ट है, क्योंकि अगर आप पूरा त्रिपिटक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बुद्धा द बुद्धा एंड हिज धम्मा जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी है, बहुत मेहनत करने के बाद लिखी है, क्योंकि उस समय पाली पढ़ाने वाला कोई था नहीं, उन्होंने पाली पढ़ी, संस्कृत पढ़ी और उसको सीखा और वो किताब लिखी, और तब लिखी जब उनकी सेहत बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी, यानी कि वो उनकी लास्ट किताब थी, उधर उन्होंने साइन किया किताब में और उधर उनके प्राण निकल गए। शायद वो निर्वाण प्राप्त करने के लिए वो किताब रुकावट थी और उनके मन में कहीं अटकी हुई थी, तो वो शांति से अपनी किताब पूरी करके इस दुनिया से गए। उसमें उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा है, द भगवान बुद्धा एंड हिज धम्मा नहीं लिखा है, मगर जिन लोगों ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया उसमें द बुद्धा एंड हिज धम्मा के साथ साथ उन्होंने लिखा है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, खाली उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म नहीं लिखा, हिंदी में भगवान जोड़ा गया है। तो कुछ लोग भगवान से ऐतराज़ करते हैं, उनका ऐतराज़ करना बहुत ठीक है, ठीक इसलिए है कि आप किस किस को समझाओगे जाके कि भगवान का जो मतलब है यहाँ पे कुछ और है, और भगवान का मतलब आज की डेट में लोगों, जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए कुछ और है। बेसिकली भगवान जो बोला जाता है आज की डेट में जो संदर्भ है, उसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ है जो चमत्कारी है, जो बिना मेहनत के दे देगी आपको, मनोकामना पूर्ण करती है, अदृश्य है, शक्तिशाली है और सब काम कर सकती है। यानी वो अगर पाकिस्तान से झगड़ा हो जाए तो वो वहाँ जाके बॉर्डर को ठीक कर सकती है, चीन अगर मिसाइल छोड़ दे तो चीन की मिसाइल को वो तोड़ मोड़ सकती है, हमारे जितने भी भारत में लोग गरीब हैं उनको वो अमीर बना सकती है, जितने लोग मरीज हैं, मर रहे हैं, उनको वो स्वस्थ कर सकती है, किसी के अगर बच्चे नहीं हो सकते हैं तो बच्चे उसके पैदा हो सकते हैं, कोई अगर बिना पढ़े ये चाहे कि वो पास हो जाए तो वो बिना पढ़े भी पास हो सकता है, कोई अगर ये चाहे कि बिना पढ़े वो डॉक्टर की डिग्री लेके बैठे और बहुत बड़ा डॉक्टर हो जाए तो भगवान की अनुकंपा से वो भी हो सकता है, कोई चाहे कि बिना कमाए कि मुझे बहुत सारी दौलत मिल जाए तो वो भी हो सकता है, कोई चाहे कि मुझे बैठे बिठाए कुछ ना करना पड़े और मुझे खाना मिल जाए बहुत अच्छा तो वो भी हो सकता है। ऐसे करके भगवान का रूपांतरण किया गया और ये सारी चीज़ें, जबकि आज तक ऐसी कोई घटना दिखाई नहीं दी जो मैंने अभी अभी आपको बोली। तो इस संदर्भ में क्योंकि लोग गुमराह हो जाते हैं तो एक शब्द चलता है भाग्य और भगवान। अब पहले भाग्य समझें तो आपको भगवान समझ में आ जाएगा। पाली भाषा के अंदर, पाली साहित्य में, बुद्ध की पूरी फिलॉसफी में कहीं भाग्य शब्द नहीं है, कहीं नहीं है भाग्य। अंग्रेजी में इसको लक बोल सकते हैं, हिंदी में इसको भाग्य बोल सकते हैं। बेसिकली भाग्य और लक का मतलब क्या है? भाग्य, लक या खुश नसीब, यानी नसीब जो उर्दू बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि नसीब खुश भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, जो लक है वो बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है, भाग्य अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ ये दिया जाता है कि आपका बिना मेहनत करे आपको कुछ फल प्राप्त हो जाए जो आप चाहते हैं, उसको भाग्य बोलते हैं, अच्छा भाग्य या गुड लक और या खुश नसीब। और अगर बिना कुछ करे आपका कुछ चला जाए, नुकसान हो जाए, तो उसको बोलते हैं बद नसीब, बैड लक या खराब भाग्य, दुर्भाग्य। मगर पाली साहित्य में भाग्य ही शब्द नहीं है, यानी इसका मतलब पुराने जो लोग थे उनका भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर भाग्य से कुछ लेना देना होता तो भाग्य शब्द पाली के अंदर जरूर होता और बुद्ध की वाणी में, वचन में जरूर आता। जब इतने शब्द आए हैं बुद्ध की वाणी में, दुनिया भर के शब्द उन्होंने बता दिए, कुछ नई बना दिए, तो भाग्य शब्द भी आना चाहिए था। तो इसका मतलब बुद्ध जानते थे कि भाग्य जैसी चीज़ कुछ है नहीं, मगर भाग है। बेसिकली भाग का भाग्य बना है। भाग क्या है? भाग है पीस या टुकड़ा या खंड। यानी कि अगर कोई केक हम घर में लेके आए और हमने केक के 100 टुकड़े किए, तो 100 टुकड़े अगर मैं आपको दे देता हूँ 100 के 100, तो आपको हमने 100 भाग दे दिए, यानी 100 भाग किए और 100 के 100 भाग दे दिए, या 10 भाग दिए तो आपको हमने 10 के 10 भाग दे दिए, तो इसको बोलते हैं संपूर्ण भाग या 100 भाग। 100 भाग का ही सौभाग्य बना, भाग का भाग्य बन गया। क्योंकि आप देखिए कि भाग जब शब्द बोलते हैं तो गै पे हम रुकते हैं जोर से, भाग, और अगर हम भाग्य बोलते हैं तो भाग्य में गै बहुत छोटा हो जाता है और ये भी छोटा हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन में भाग का भाग्य हो गया और सौभाग्य का, यानी 100 भाग का सौभाग्य हो गया। फिर सौभाग्यवती, यानी जिसको कंप्लीट मिल जाए, संपूर्ण मिल जाए, उसको हमने कह दिया सौभागवती। मगर पाली के अंदर भागवंतु शब्द है, भाग्यवंतु नहीं है,
भागवंतु है, भागमंतु है, भाग्यवंतु नहीं है। यानी भागमंतु जिसको भाग मिलते हैं, या भाग्य बोलते हैं, भाग ये जिसको भाग मिलते हैं, भाग ये। तो ऐसे करके जो भाग शब्द है, भाग शब्द हिस्से को बोलते हैं। अब आपने अपना जो हिस्सा लेना है वो कैसे लेना है? अब आप ये देखिए कि आपको अपना भाग चाहिए, वो भाग आपका पूरी दुनिया में निश्चित है। अगर आप किसी देश में पैदा होते हैं तो देश की संपदा पे, देश के सारे पानी पर, देश की सारी प्रॉपर्टी पर, देश के सारे सरकार पर, देश की सारी संपदा पर, पढ़ाई पर, लिखाई पे आपका बराबर का राइट है। यानी भाग का मतलब हो गया राइट, हिस्सा। वो राइट और हिस्सा और भाग आपका पूरा है। कोई अगर आपको ये कहता है कि भाग यहाँ से, तेरा इसमें भाग नहीं है, तो यहाँ भाग बोलते हैं, भाग का मतलब है उसने आपका भाग नहीं दिया, भगा दिया, तो भाग नहीं दिया। कोई ये नहीं कहता कि आपका यहाँ भाग्य नहीं है, यानी कि आप अपने देश में जितनी चाहें उतना, जो भी लोग जो चीज़ सुविधा ले रहे हैं देश से, उसमें आपका बराबर का हिस्सा है, क्योंकि आपकी नागरिकता बराबर की है। आप दुनिया में आए हैं तो दुनिया में जितना एक आदमी का हिस्सा है उतना आपका हिस्सा है, क्योंकि दुनिया में एक भाग आपका भी है। तो भाग का मतलब होता है हिस्सेदारी और हिस्सा होता है, और भाग्य का मतलब होता है कि आपकी बिना मेहनत करे आपका भाग ले लिया किसी ने, अगर तो वो उसका भाग्य है, आपका नहीं है। अगर किसी ने आपका ले लिया बिना मेहनत करे तो वो भाग्य कहलाता है। तो भाग का ही भाग्य बना दिया, जबकि भाग्य कोई शब्द नहीं है। इसलिए भगवान और भाग्य कोई शब्द नहीं है। हाँ, भग्नवान है। भग्नवान का मतलब होता है कि जिसने अपना दुख और अपना राग द्वेष सारे के सारे भग्न कर दिए, ख़त्म कर दिए, उसको भग्नवान बोलते हैं, उसको भग्नवंतु बोलते हैं, उसको भवंतु बोलते हैं, उसको भस्म भी बोलते हैं। धन्यवाद।